बनारस आइए, बनारस में देखिए स्थिति क्या है। जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री कहाँ है, हमारा सांसद कहाँ है। 400 पार लाएंगे तो क्या संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे? ये ऐसे कदम उठाने को मजबूर है। ये आरक्षण खत्म ये कर देंगे, ये सब कुछ खत्म कर देंगे। हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करना चाहते हैं लोग। हिंदू एक तरफ खड़ा हो, मुसलमान एक तरफ खड़ा हो। इनकी बी टीम का नाम ओवैसी है, वो मैदान में उतर गई है। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जो अपनी बीबी का मंगलसूत्र न बचा पाए तो देश की महिला को मंगलसूत्र बचाने निकला है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गया कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। भाइयों बहनों, मुझे एक बार विकास का मौका और चाहिए। भाइयों बहनों, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। काम गिनाओ ना, क्या कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता वोट मांगने आएगा ना, तो पहले पांच काम पूछेंगे कि पांच काम गिनाओ, वोट लेके जाओ। पांच काम गिना नहीं पाएंगे तो मार खा के भगाएंगे। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लूटा तो भिखारी बना दिया। नमस्ते, लोकसभा चुनाव शुरू है और इसी बीच बयानों को लेकर के चर्चाएं भी तेज है। किसी और के बयान नहीं, इस समय बयानों की चर्चा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और मंगलसूत्र वाले बयान काफी चर्चा में है, और मंगलसूत्र के बयानों के चर्चा के बीच धनंजय सिंह पूर्व सांसद की पत्नी ने भी कह दिया कि हमारे मंगलसूत्र पर खतरा है, क्योंकि मंगलसूत्र की लड़ाई है मंगलसूत्र बचाने के लिए, क्योंकि धनंजय सिंह का हत्या भी हो सकता है ऐसा उनका आरोप है, और या फिर कोई बड़े फर्जी मुकदमे में उनको फंसाया जा सकता है ऐसा उनका आरोप है। साथ ही साथ उनको आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली, उन्हें जमानत भी मिल गई। इसी मुद्दे पर लेकर के हम कांग्रेस नेता आर्यन मिश्रा जी से बात करेंगे। कैसे देखते हैं इन सब मंगलसूत्र के बयानों को, और जिस प्रकार से धनंजय सिंह की पत्नी आज बयान देती हैं, जो अपना मंगलसूत्र ना बचा पाया वो मंगलसूत्र चर्चा करने चला है। क्या देश का मुद्दा मंगलसूत्र है? क्या देश का मुद्दा वेज नॉन वेज, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान है? इन सबसे ऊपर उठ के देश के प्रधानमंत्री को, जिसको सर्वोच्च पद होता है, उसकी गरिमा को गिरा रहे हैं और दिन प्रतिदिन गिरा रहे हैं। मंगलसूत्र कोई मुद्दा नहीं है, ये महिलाओं के लिए सम्मान की बात होती है। और जब मोदी जी अपनी पत्नी के ना हो सके वो देश के क्या होंगे, पहले बताएं। और आपने बात करी धनंजय सिंह की, देखिए आखिरी में सच की जीत होती है। धनंजय सिंह को जमानत मिली, उनको बधाई, और जौनपुर की जनता को बधाई। ये जीत जौनपुर की जनता की है कि वो बाहर आए हैं, और निश्चित रूप से जो उनकी पत्नी चुनाव में खड़ी हुई हैं, भारी समर्थन उनको मिल रहा है और चुनाव जीतेंगी वो। और बात रही प्रधानमंत्री के स्तर की और प्रधानमंत्री के बयानों की, तो ये स्पष्ट रूप से संदेश है कि प्रधानमंत्री का जो बयान है ये घबराहट भरा है। बौखला गए हैं, डर गए हैं। जो पहला फेज हुआ, दूसरा फेज हुआ, इसमें इनको डर का जो एक वो होता ना, डर सता रहा है। स्पष्ट रूप से बता रहा है कि ये पूरी तरह से घबरा गए हैं। इनके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस हुआ करता था वो नहीं है। ये 400 पार का नारा नहीं दे रहे हैं, जानते हैं कि चुनाव ये हार गए हैं, ये बौखला गए हैं, ये डर गए हैं। अब एनडीए पे आ गए हैं, पहले मोदी मोदी चल रहे थे, अब एनडीए पे आ गए हैं। जानते हैं कि हारेंगे तो ठीकरा एनडीए पे फोड़ देंगे, और जीतेंगे तो ठीकरा मोदी को ले लेंगे। तो ये दोगले चरित के लोग हैं, क्योंकि जो अपना मंगलसूत्र नहीं बचा पाया वो देश का क्या होगा, ये बस सवाल इस पे होना चाहिए। लेकिन वो तो बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो तो 400 पार के साथ साथ ये भी एक सीट आप देखे होंगे सूरत गुजरात वाला सीट जीत भी चुके हैं, तो वो तो अभी से ही जीत का जश्न मना रहे हैं, अभी से ही जीत शुरू हो गई है उनकी। लोकतंत्र की हत्या कर और संविधान को कुचल कर अगर सीट जीतना होना, अगर ऐसे चुनाव मोदी जीत जाए कोई बात नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टी का पर्चा खारिज करवा देना, आप मेरे बयान समझिए, करवा देना और करने में बहुत फर्क होता है। ये करवाया गया है, ये सत्ता के संरक्षण में काम हुआ है। ये सूरत की जीत नहीं है, ये सूरत की जनता की हार है और लोकतंत्र की हार है। आप आइए, लखनऊ आइए, बनारस आइए, बनारस में देखिए स्थिति क्या है। जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री कहाँ है, हमारा सांसद कहाँ है, क्योंकि बनारस का बेटा, बनारस का लाल अजय राय सवाल कर रहा है। तो जवाब मोदी के पास नहीं है। लखनऊ की जनता सवाल कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री कहाँ है। मणिपुर की जनता सवाल कर रही है प्रधानमंत्री कहाँ है, जो मणिपुर पिछले 6 महीने से चल रहा है। प्रधानमंत्री तो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मौज ले रहे हैं, जनता त्रस्त है, प्रधानमंत्री मस्त है। अमित शाह के बयान बौखलाए वाले हैं, प्रधानमंत्री के मोदी के बयान बौखलाए वाले हैं। पूरे देश को लूट लिया है 10 सालों में, अपनी झोली भर के तैयार है। जब जनता ने सवाल किया है तो जवाब देने को तैयार नहीं है। सवाल तो रोजगार पे होना चाहिए ना, सवाल तो महिला सुरक्षा पे होना चाहिए,
सवाल तो शिक्षा पे होना चाहिए कि कितनी आपने यूनिवर्सिटी बनाई है, सवाल तो इस पे होना चाहिए ना। आपने जो वादे किया था कि आपने उसको पूरा किया है, सवाल इस पे भी होना चाहिए। एक देश का युवा पूछना चाहता है कि जो आपने वादे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का किया था, वो क्या पूरा किया आपने? आपने कहा था महिला को सुरक्षा देंगे, मणिपुर की स्थिति देखिए आप, तो कहाँ है? जर्जर व्यवस्था हमको दिख रही है। हम मंदिर मस्जिद चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे देगी सब कुछ, घुसपैठियों को देगी। देखिए यही तो मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ऐसा बोलने में मजबूर हो गए हैं, मजबूर हैं, समझिए। हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं चुनाव को, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, वेज नॉन वेज, और आखिरी में मंगलसूत्र। जब कुछ नहीं बचा तो मंगलसूत्र पे आ गए। तो चर्चा है क्या मंगलसूत्र चुनाव का मुद्दा है, क्या वेज नॉन वेज चुनाव का मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा तो रोजगार है ना। मोदी ने कभी मन से ये नहीं बोला कि हमने इतने रोजगार दे दिए, कभी ये नहीं कहा कि हमने महिला को सुरक्षा दे दी, कभी ये नहीं कहा कि हमने किसानों का आय दोगुनी कर दी। सिर्फ झूठे प्रचार से झूठे उससे जीवित हैं ये झूठे प्रधानमंत्री हैं, ये प्रचार जीवी हैं। सिर्फ अपनी फोटो से मतलब है, अपने प्रचार से मतलब है, लेकिन जनता से कोई मतलब नहीं, जनता के मुद्दे से इनका कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ जनता के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, जो असल मुद्दे हैं उससे भटकाना चाहते हैं और अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। मुद्दा की तो बात कर रहे हैं कि आप लोग की सरकार आएगी तो पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, लोकतंत्र में 272 सीट का बहुमत होती है, सिर्फ 400 पार क्यों? 400 पार लाएंगे तो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये ऐसे कदम उठाने को मजबूर है। ये आरक्षण खत्म कर ये कर देंगे, ये सब कुछ खत्म कर देंगे। ये जो पिछड़े लोग हैं उनको दबाना चाहते हैं और जिस संविधान को खत्म, कितने सांसदों के बयान इनके आ गए हैं कि अगर 400 पार सीटें आ जाएंगी संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को कुचल देंगे। भीमराव अम्बेडकर के संविधान को किसी में ताकत नहीं बदल के दिखा दे या बदल के दिखा दे या चेंज कर दे, तो ये कौन होते बदलने वाले? और 400 सीट ही क्यों? 2019 में पुलवामा हमला हुआ, 400 किलो आरडीएस कहां से आया किसी ने बताया? 5 साल होने को आए हैं लेकिन 400 सीटों की बात करने वाले हैं लोग। हिंदू मुस्लिम की भाईचारे पे बात नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करना चाहते हैं लोग। हिंदू एक तरफ खड़ा हो, मुसलमान एक तरफ खड़ा हो, इनकी बी टीम का नाम ओवैसी है, वो मैदान में उतर गई है। ओवैसी बी टीम है, ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो हमेशा बयान देती है इनके खिलाफ, कुछ बयान नहीं देती। बिहार में हमने बहुत बयान सुने हैं, बिहार में ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए हमने देखा है। तो बी टीम का काम करती है, वो मुसलमान करेंगे या हिंदू करेंगे, चुनाव हिंदू मुसलमान पे हो जाएगा। लेकिन देश का युवा पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, रोडे कहाँ है, यूनिवर्सिटी कहाँ है, निर्माण कहाँ है, बताइए। हम तो चाय बेच रहे हैं मोदी के राज में, आपने मोदी जी को नहीं देखा होगा चाय बेचते हुए, लेकिन हम देश बेचते हुए मोदी जी को जरूर देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर बोलते हैं चाय बेचते, वो रेलवे स्टेशन किसने बनाया था जरा बताएं? वो रेलवे स्टेशन किसने बनाया था? कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया ना। जहां पर भी इनके बच्चे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बेच रहे हैं। मनोज तिवारी कितने बच्चे हैं और वो कहते हैं कानून लाएंगे, ये कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। आपने निरहुआ जी की एक वीडियो देखी होगी, देखी नहीं? देखी कि मोदी योगी जी ने बेरोजगारी पर नियंत्रण कर दिया क्योंकि उनके बच्चे ही नहीं है, उन्हें बच्चे ही नहीं किए। आप देखिए इनके खुद के 3 बच्चे हैं, वो बच्चों पे ज्ञान दे रहे हैं। मोदी योगी जी को कह रहे हैं कि वो रोक दिए। अरे जो अपनी बीबी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? इस पे उस सवाल क्या करना चाहिए? जो अपनी बीबी का मंगलसूत्र ना बचा पाए वो देश की महिला को मंगलसूत्र बचाने निकला है। वो सिर्फ भ्रमित करना चाहते हैं, यहाँ भ्रमित करना चाहते हैं देश के असल मुद्दों पर। जो वादे उन्होंने किए थे 14 में 2019 में, उस पे बताएं कि भाइयों बहनों मैंने इस वादे को पूरा किया, मुझे वोट दें। राम मंदिर बनवा दिए, इतना राम मंदिर आस्था का विषय है कि राजनीति का विषय है? मुझे बताएं, आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर, ये होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर, ये नहीं कि राम मंदिर मुद्दा है। राम मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा, भाजपा कुछ फायदा नहीं होगा। हिंदू भाई इनका विरोध कर रहे हैं क्यों? क्योंकि अब ये जान चुके हैं ये देश का प्रधानमंत्री झूठा है, कायर है, डरता है। चीन के लोग जब भारत में कब्जा कर रहे हैं तब बोलने वाले नहीं है। पुलवामा हमले में क्या जांच पर सामने आया किसी ने नहीं पूछा? संसद में हमला हो जाता है, चर्चा नहीं होती है। 400 किलो आडिस आया कहां से आया, चर्चा नहीं होती है। रोजगार की दिशा है नहीं, 45 सालों सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है तो चर्चा नहीं हो रही है। स्वास्थ्य सुविधा इतनी बदतर है कि KGMU में मैंने पढ़ा था अखबार में, KGMU में इलाज न मिलने से मौत हो गई, ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है।
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम है, तो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप ग्राउंड पर उतरिए, जमीनी हकीकत को देखिए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। इनकी किताबों में इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन जमीन की हकीकत बहुत बेकार है। नरेंद्र मोदी झूठे हैं, नरेंद्र मोदी कायर हैं, वो जुमलेबाज हैं। सबसे बड़ा जुमलेबाज अगर इस देश में कोई होगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, तो नरेंद्र मोदी का नाम होगा सबसे पहले। और सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो जीती तो है, लगातार जीत रही। क्या जीत रही? दो बार से सरकार बना ली तो जीती आई है। मनमोहन जी की सरकार बनाई, मनमोहन जी की सरकार थी दो बार से, आपने कभी उस पर चर्चा नहीं करी। अहंकार तो रावण का भी नहीं हुआ तो मोदी का क्या होगा? मोदी जी से कहिए अहंकार को त्यागे और अपने झोला तैयार कर लें, 24 में जाने की तैयारी कर लें। वो तो 47 तक के लिए तैयार है। 47 से देश बचेगा ही नहीं, देश ही नहीं बचेगा। 10 साल में बेच दिया है, बचा कुछ हिस्सा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर तीसरी बार बन गए तो देश बेच देंगे पूरा अडानी अंबानी के हाथों, जो इनके बहुत अच्छे मित्र है। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गया कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। सच्चाई है देश का विकास, जो बोले क्या विकास हो रहा है? सबके बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद विकास पैदा ही नहीं हो पा रहा। मुझे बताएं, आपका नाम विकास है, आप बताइए कहां विकास हुआ है? हम तो 2014 से पहले के पैदा पहले वाले हैं ना। मैं भी 2014 पहले वाला हूं, 14 से पहले वाला हूं। लेकिन जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं, उनको लगता है कि 2014 के बाद ही आजादी मिली है। कंगना रनौत आपने सुना होगा, संसदीय लड़ रही है ना, मंडी से। मुझे पता है, उनको ये नहीं पता कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है। उनको मोदी ने टिकट दिया है और मोदी जी प्रचार करने में बहुत माहिर हैं। मुझे बताएं ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि बाराबंकी के सांसद का टिकट वापस करना पड़ गया? ऐसा क्या प्रचार हो गया मोदी जी, ये भी तो बताएं जनता को। आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि क्या प्रचार हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री का स्तर है। शौचालय के बाहर इनकी तस्वीरें लगी हैं, फिर एक बार मोदी सरकार। मुझे बताएं किस यूनिवर्सिटी के बाहर मोदी की तस्वीर लगी है, फिर एक बार मोदी सरकार। गिनाए यूनिवर्सिटी का नाम कि जहां इनकी तस्वीरें लगी हो। अगर कांग्रेस पार्टी ने स्कूल ना बनाए होते ना, तो आज भी लोग वोट करने मोदी के शौचालय में जाते। सच्चाई है आज की, क्योंकि यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई नहीं है, स्कूल बनाए नहीं है, कांग्रेस ने बनाया है, वही वोट करने जाते हैं। और ना बनाते तो शौचालय में वोट करने जाते। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसमें गुंडा राज बढ़ गए थे, देश में लोग खुशहाल नहीं थे, ये सब तमाम बातें। खुशहाल नहीं था मुझे बताए, कौन खुशहाल नहीं था मुझे गिनाए, कौन है वो लोग? ये कहते नहीं कि हम महिलाओं के लिए ये किए वो किए, क्या किए हैं या यही किए हैं वो किए, पर यही कह रहे हैं। देखिए किसानों को 6,000 दे रहे हैं, 6,000 दे रहे हैं ना, 700 किसानों की शहादत हो गई, इस पर चुप्पी नहीं तोड़ेंगे क्या? जो बॉर्डर पे दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे किसान, वही इनके लिए खालिस्तानी थे, वही पाकिस्तानी थे, वही आतंकवादी थे। जब चुनाव आ गया तो किसान भाइयों बहनों मुझे वोट दे दो। 22 साल का युवा अग्निवीर बनेगा और 73 साल का बुढ़ा अपने बल ये वक्त मांग रहा है कि मुझे फिर से प्रधानमंत्री बनाओ, सेवा करने आया हूँ, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। किसी ने नहीं बुलाया मोदी जी को। अपना झोला उठा ले, तैयार कर ले, 24 जाने की तैयारी है और राहुल गांधी के आने की तैयारी है। राहुल गांधी 15 अगस्त को देश के लाल किले से भारत का झंडा फहराएंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी की अमेठी से भी बड़ा चर्चा है कि अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो क्या वहां पर स्थिति होगा, क्योंकि पिछली बार तो स्थिति सही नहीं। स्थिति साफ है, अमेठी की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। अमेठी उनके लिए परिवार है, अमेठी का बच्चा बच्चा उनके लिए अपना परिवार जैसा है। अमेठी की जनता पुकार रही है राहुल गांधी आ जाइए, और शायद राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और स्मृति ईरानी तो डर गई हैं, बौखला गई हैं, डर गई है, 100% डर गई हैं कि अब की राहुल जी आ गए तो अब की जमानत तो नहीं बचेगी। उन्होंने वादा किया था कि अमेठी की जनता से इस बार सांसद बना दीजिए तो आपको 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। क्या अमेठी की जनता से पूछना चाहता हूँ, किसी को मिली है क्या? किसी को नहीं मिली है। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, जुमलेबाज की पार्टी है। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद वेज नॉन वेज मंगलसूत्र हटा दें तो मोदी जी बोल नहीं पाएंगे। सच्चाई बता रहा हूं आपको, ये 5 मुद्दे जो इनके हैं ना, इस पर कुछ नहीं होने वाला, जिस पर इनको एक वोट भी नहीं मिलेगा। ये ऐसी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये जान गए कि चुनाव हार गए, तभी इतने बौखलाए हैं, तभी इतने घबराए हैं। मैंने कभी आज तक प्रधानमंत्री ने कभी मन से ये नहीं बोला कि मंगलसूत्र बचा लीजिए, सोना गिरवी रख दीजिए। जरा अमेठी पर बताइए ना, अमेठी पर तो पिछली बार स्थिति जो रही वो ठीक नहीं थी।
तो क्या चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हारे क्या? हारते हैं लेकिन आपकी चुनाव में, सुन लीजिए, चुनाव में जो मैदान में उतरा है या तो वो जीतेगा या तो वो हारेगा। उतरता वही है जो बहादुर होता है। कायर लोग घर में बैठे रहते हैं। अमेठी की जनता पुकार रही है कि राहुल जी आइए, आपका स्वागत है, हम आपको भारी बहुमत से संसद पहुंचाएंगे, वायनाड भी जीतेंगे, अमेठी भी जीतेंगे और देश की जनता का दिल भी जीतेंगे। 4 जून को राहुल गांधी के सर पे सहरा होगा और पूरे देश में जश्न मना रहे होंगे और नफरती लोग मुंह लटका बैठे होंगे, क्योंकि नफरत हारेगी मोहब्बत जीतेगी। नफरतों के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। लेकिन ये बताइए कि जो चुनाव हो रहा है वो गठबंधन से हो रहा है, इंडिया गठबंधन, उसमें कई सारी पार्टियां, अरविंद केजरीवाल भी शामिल है और अखिलेश यादव भी शामिल है। तो जो सपा के लोग हैं उत्तर प्रदेश खास करके बात करें तो वो लोग तो चाहेंगे कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने, दिल्ली के लोग चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल बने, अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की। तो पहली बात तो अगर हटाइए, अगर नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बन रही है। और इंडिया गठबंधन का चेहरा ही राहुल गांधी है। चेहरा ये कौन बोला? चेहरा राहुल गांधी है, आपको पता चल जाएगा। सब लोग सहमत, उनके चेहरे सहमत हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर इस देश में किसी ने पूरे हिंदुस्तान को बदल नापने का कार्य किया एक छोर से दूसरे छोर तक तो राहुल गांधी ने किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी हो चाहे मणिपुर से महाराष्ट्र हो, अगर कोई देश के लिए पैदल चला है, देश को जोड़ने के लिए पैदल चला है तो राहुल गांधी चला है, और कोई नेता में दम नहीं है। मैं तो मोदी जी को चैलेंज करना चाहता हूँ, 10 किलोमीटर पता चल के दिखा दे। 10 किलोमीटर पता नहीं चल पाएंगे मोदी जी। और बात करते हैं बड़ी बड़ी, अरे ये फेकू प्रधानमंत्री है, कहा था 15 लाख हर खाते में आएगा, आए हैं क्या? काला धन वापस लाएंगे, आया है क्या? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया है क्या? किसानों की आय दोगुनी करेंगे, दिया है क्या? महिला को सुरक्षा देंगे, दी है क्या? कहीं तो स्टैंड नहीं कर पाए प्रधानमंत्री। और आखिरी में बस एक सवाल करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है, मुझे बता दे। डिग्री क्या? हाँ, डिग्री क्या है? प्रधानमंत्री पास नहीं, आप हमें पास होते दिल्ली, मोदी जी नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या बात करते हैं विकास जी। अरे अमित शाह बताए नहीं थे? अमित शाह तो बहुत कुछ बताए हैं। अमित शाह तो ये भी कहे कि सब बोले सब जुमलेबाज है, ये सब जुमले हैं, चुनाव के समय दिए जाते हैं। वो भी मानिए आप, वो भी तो मानिए, अमित शाह के बयान है, मैंने नहीं कहा। तो अमित शाह खुद झूठे हैं, वो क्या बताएंगे? देश का प्रधानमंत्री झूठा, देश का गृह मंत्री झूठा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ पे टिकी हुई है। झूठ 24 घंटा झूठ बोलते हैं, 24 घंटा, भगवान भी माफ नहीं करेगा। सही बता रहे हैं आपको, इतने इन्होंने पाप कर दिए इस धरती पर। इतने बड़े हमेशा पूजा पाठ करते रहते हैं आप, उनको पापी बोल रहे। वो ढोंगी लोग हैं जो राम के नाम पर वोट मांगे, उससे बड़ा ढोंगी कोई नहीं होता। राम आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। और राम के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता, काम के नाम पर वोट मांगा जाता है। मोदी जी ने किसी मन से यह नहीं कहा कि मैंने काम किया है, मुझे वोट दो। भाइयों बहनों, मुझे एक बार विकास का मौका और चाहिए। भाइयों बहनों, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। काम गिनाओ ना, क्या कर दिया? काम गिना नहीं पाओगे। किसी मोदी बख्त से पूछ लो 5 काम, तो पहला राम मंदिर, दूसरा मंदिर मस्जिद, तीसरा हिंदू मुसलमान, चौथा बिरयानी, पांचवा मंगलसूत्र। ये 5 काम हैं इनके। अपना मंगलसूत्र मोदी जी बचा नहीं पाए, दूसरों को मंगलसूत्र बताने निकले हैं। शर्म आती नहीं है इनको। प्रधानमंत्री की आंखों का पानी मर चुका है। ऐसा क्यों? जो इतने झूठे बयान दे सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है इस देश के लिए। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जैसे अखिलेश यादव जी भी बार बार पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद बात कर रहे हैं कि जो क्षत्रिय समाज है वो भी उनका एक तरीके से भाजपा का विरोध कर रहा है। अब बचे ब्राह्मण आप है, वो आप भी विरोध कर रहे हैं, तो उनका साथ कौन देगा? किसका साथ? मोदी जी का, भाजपा का? कोई साथ नहीं दे रहा है। आ जाए द्वार पे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता मेरे द्वार पे आएगा, किसी की जनता के द्वार पे आएगा तो मार के भगाए जाएंगे, इस बार वादा है आपसे। इतना भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता वोट मांगने आएगा ना, तो पहले 5 काम पूछेंगे कि 5 काम गिनाओ, वोट लेके जाओ। 5 काम गिना नहीं पाएंगे तो मार खा के भगाएंगे, मार खा के भगाएंगे। सच्चाई बता रहा हूं आपको, पूरा युवा त्रस्त है बेरोजगारी से। कहते हैं देश का युवा पकौड़ा तलेगा, अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा और देश का युवा पकौड़ा तलेगा। क्या बात है मोदी जी, इतना दोगलापन तो हमने कभी नहीं देखा आज तक। सवाल तो नहीं है क्या अमित शाह के लड़के कितना क्रिकेट खेले थे बताएं? घंटा घर पे तमाम युवा इतने योग है जितना अमित शाह का लड़का योग नहीं है। क्यों? क्योंकि अमित शाह का लड़का इसलिए बीसीसीआई का सचिव बना बैठा है,
ये कहते हैं परिवारवाद। 35 सालों 30 सालों से गांधी परिवार का कोई भी परिवार का हिस्सा सदस्य राजनीति में कोई ऐसे पद पे नहीं रहा या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या गृह मंत्री। कहते हैं परिवारवाद। अपनी पार्टी में परिवारवाद देखें, अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं, अमित शाह का बेटा क्या है, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। पहले अपने गिरबान में जाके मोदी जी बहुत कमियां हैं, तब दूसरों पर सवाल करें। और 24 घंटे नेहरू जी को कोसेंगे, 24 घंटे राहुल गांधी, 24 घंटे कांग्रेस। अरे आप बताओ आपने 10 साल में क्या किया? आप विकास करने आए थे ना, भारत को बदलने आए थे, विश्व गुरु बनाने आए थे, 10 साल में पूरा भारत ही बेच दिया है। सच्चाई है, काफी गुस्सा है भाई। मोदी की ना नीयत साफ है ना नीति, मैं दोनों का विरोध करता हूँ, दोनों इनकी खराब है। क्योंकि देखिए मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लूटा तो भिखारी बना दिया। भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। देश की जनता अगर 2024 में कोई चुन लेगी तीसरी बार तो आपके हाथ में माइक नहीं होगा, कटोरा होगा, कहीं भीख मांग रहे होंगे, बस इतना कहना चाहेंगे आपसे। चलिए ये थे आर्यन मिश्रा जी, कांग्रेस के नेता, बेखौफ होकर के भारतीय जनता पार्टी पर लगातार टिप्पणियां करते हैं। बाकी इनके पूरे टिका टिप्पणी पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक गुप्ता, सहयोगी मित्र सुमित सिंह चौहान। अभी हम लखनऊ के घंटाघर पे मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद।